नमस्कार, राजधर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्ते, मैं राशिद। यूपी की राजनीति में मायावती का राजधर्म क्या कहता है और ये राजधर्म बड़े कैनवास पर बीजेपी के लिहाज से, समाजवादी पार्टी के लिहाज से और कांग्रेस के लिहाज से क्या नई कहानी और क्या नई हकीकत बयां करता है, अगले एक घंटे इसी पर डिबेट करेंगे। और सवाल इसलिए भी क्योंकि मायावती जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसती थी, पिछले कुछ दिनों से उनके सुर बिल्कुल बदल गए हैं। इन बदले हुए सुरों के पीछे आखिर क्या कुछ स्ट्रेटेजी है, इस पर भी सवाल होगा। और इन बदले हुए सुरों के पीछे अगर आप 3 दशक पहले की कहानी सोच करके देखेंगे या अगर 3 दशक पहले की खिड़की से झांक करके देखेंगे तो शायद समझ में आएगा कि एक ऐसा जमाना था जब ये कहा गया, जब ये बताया गया कि मायावती की राजनीति का जो उत्थान था वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनी और 4 बार में से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ की वजह से मुख्यमंत्री बनी। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब आप ये समझिए। दरअसल हाल के दिनों में कश्मीर से धारा 370 हटने के मुद्दे पर मायावती बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई, तब जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी से अलग रुख अख्तियार किए हुए थे। एक बात, दूसरी बात यह है कि मायावती सोनभद्र कांड पर जम करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसती नजर आई। मायावती यह कहती नजर आई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस घड़ियाली आंसू ना बहाए और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाए। अब आप समझिएगा, क्या यह समझा जाए कि लोकसभा चुनाव 2019 में लगभग 4.25% वोट पाने वाली मायावती, और हां आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि इन 4.25% वोट्स में से उत्तर प्रदेश की 65 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी विधानसभा सीट ऐसी रही जहां पर मायावती नंबर 1 यानी बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पोजीशन पर थी। क्या मायावती को यह लगने लगा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में टैक्टिकली अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाती हैं तो बहुजन समाज पार्टी का फायदा होगा? मायावती अब ये जान गई हैं कि 10 लोकसभा सीटें पाने का मतलब क्या है। मायावती ये जान गई हैं कि यूपी में टैक्टिकली भारतीय जनता पार्टी के साथ पर्दे के पीछे चलने का मतलब क्या है। लेकिन मायावी दांव से क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाकई में हाशिए पर चले जाएंगे, राजधर्मी बहस होगी। हमारे साथ बने रहिए आप। पहले मायावती की स्ट्रेटेजी और ट्वीस्ट देखकर लग रहा था कि उपचुनाव पर फोकस किए हुए हैं मायावती, लेकिन अब लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत बहुत दूर का मायावती देखने की और समझने की कोशिश कर रही हैं। इस पर भी अगले एक घंटे सवाल होगा, जानने की कोशिश करेंगे माया के मायावी दाव के पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो राजधर में आज बात मायावी दाव की, मायावी दाव यानी मायावती की एक नई स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी जो ये बता रही है कि पर्दे के पीछे से मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूरी लगातार बनाए हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ना कुछ कहीं चल तो नहीं रहा है, और इसके पीछे की वजह है धारा 370 पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और सोनभद्र कांड पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसना, और प्रियंका गांधी जैसे ही सोनभद्र पहुंची उसके बाद घड़ियाली आंसू बहाने की बात करना और ये कहना मायावती का कि आदिवासियों की जमीन वापस तो दिलवाइए, घड़ियाली आंसू मत बहाएं। लोकसभा इलेक्शंस की तस्वीर अगर हम याद करें बहुत पुरानी नहीं है, एसपी बीएसपी और आरएलडी एक मंच पर नजर आ रहे थे, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस के बाद तस्वीर पूरी तरीके से उल्टी हो गई। अब वही मायावती कोस रही हैं समाजवादी पार्टी को भी, सवाल उठा रही हैं कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर भी। तो आखिर ऐसे में पीछे पक क्या रहा है, मायावती के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश में आज भी ये बात बहुत मायने रखती है कि मायावती का दिमाग किस तरफ, दिमागी झुकाव किस तरफ है राजनीतिक तौर से, और वो इसलिए क्योंकि मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहता है, दलितों का जो वोट बैंक है, और बड़ी बात यह है कि अब यादव और मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगाने की उनकी कोशिश है, और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक अलग तरीके का उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है क्योंकि 10 लोकसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, 4.25% उनको वोट शेयर उनका था। डिबेट को हम ओपन कर देते हैं इसी मायावी दांव पर, अगले एक घंटे राजधर्मी बहस होगी। बीजेपी से जेपी पांडे, बीएसपी से सुरेश चंद्रा, संघ विचारक डॉक्टर विक्रम सिंह, जर्नलिस्ट एके मिश्रा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इरफान मलिक और टीएमसी से नीरज राय से थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। सुरेश चंद्रा जी, पहला सवाल आपसे ही है, धारा 370 पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहना और सोनभद्र कांड में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से अदावत दिखाना और त्योरियां चढ़ा करके ट्वीट करना और ये कहना कि घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय आदिवासियों को जमीन दी जाए, क्या ये यूपी में मायावती का नया दांव है और क्या पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ कुछ चल रहा है?
देखें, इसमें माननीय बहन जी ने जो फैसला लिया है, 370 की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी आप लोगों को चर्चा की, आपके कार्यक्रमों में चर्चा की है कि 370 का हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दैट टाइम भी उसको विरोध किया था, लेकिन जो दैट टाइम के कांग्रेस के ही लीडरान रहे उन लोगों ने दबाव बनाया, लेकिन बाबा साहेब ने दबाव नहीं माना और गोपाल आयंगर को पका पकू करके उनसे वो ड्राफ्टिंग करा करके, जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी में भी पेश किया गया तब भी बाबा साहेब ने कहा, उसका विरोध किया, इसलिए चूंकि बाबा साहेब के ख्यालातों को पूरा करने के लिए, उनके सारी विचारधारा को लागू करने के लिए माननीय बहन जी का सबसे बड़ा लक्ष्य उनकी अनुयायी हैं, इसलिए वो रहा 370 वाला मामला। और ये जो है, जो सोनभद्र वाला मामला है, दलितों और पिछड़ों का और आदिवासियों का मामला है, इसलिए एक वो हमारा मुद्दा है। और फिर ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अब तक अंतर रहा है, तो वो अंतर न हो इसलिए उनको बार बार टोका जा रहा है कि भाई घड़ियाल आंसू मत बहाओ, जो कुछ करना है वो बताओ। और उसी उसमें हम लोगों ने नहीं, आप मेरी एक बात को या स्वीकार करें या फिर अस्वीकार करें, मैं ये चाहता हूं, भारतीय, चूंकि देखिए मैं इतिहास में झांक करके जब देखता हूं, चार चार बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी है मायावती, और इनमें से दो बार भारतीय जनता पार्टी की वजह से या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मायावती मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद इतिहास में क्या हुआ ये बहुत ज्यादा झांक करके या बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा सीधा ये सवाल है, क्या पर्दे के पीछे मायावती 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका कोई झुकाव हो सकता है क्या? हाँ या ना, या मेरी बात को स्वीकार कीजिए या अस्वीकार कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, आप अस्वीकार कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। पक्का? पक्का, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह का कोई झुकाव नहीं है। इसमें झुकाव का कोई मतलब नहीं है भाई, उन्होंने जब जब हमसे कहा हमको उन्होंने सहयोग दिया तो अच्छी बात के लिए सहयोग दिया था बीजेपी ने, चाहे वो 1995 में हो, जून 1995 में हो, 1997 में हो, चाहे वो 2002 में हो, चाहे, और फिर चौथी बार तो हम लोग जो अपने आप आए हैं अपने बलबूते पर। तो यदि आज के टाइम में हमें बसपा ही, मान्यवर कांशीराम साहब को बसपा भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ये दोनों के दोनों लोग और जितने भी थे, सात राजनीतिक दल होते थे, सातों के सातों राजनीतिक दलों के जो मुखिया थे वही लोग थे, ठीक है, और आज बसपा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सुरेश चंद्रा जी, एक ही मुझे बताइए, यूपी की राजनीति के लिए, यूपी के वोट बैंक के लिए और दलित वोट बैंक के लिहाज से मायावती क्यों जरूरी है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो अभी यहाँ पे चर्चा चल रही है ना, एक चीज की तो मैं तारीफ करता हूँ, पार्टी कोई भी हो, धारा 370 या नेशन इंटरेस्ट की जब भी बात होती है किसी भी परिप्रेक्ष्य से देखें तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, ये सारी पार्टियों को करना चाहिए, दलगत राजनीति इन सबसे हटके। सवाल जो मुद्दा ये है ना कि यूपी की राजनीति में इसलिए जरूरी है कि मैं कई बार बोला हूँ कि धर्म जाति पाति इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक प्रमुख पैरामीटर है, अवलंबन है यहाँ की राजनीति में, अभी भी वो भले ही सब लोग बोले लेकिन हर कैंपेन में आप देखिए सारी कैलकुलेशन स्ट्रेटजी इन्हीं सब उससे बनती है, बहुत प्रभावशाली रोल रहता है। रही बात मायावती जी या बीएसपी के लिए, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे दूसरी चीज समझ में आ रही है, मायावती जी ने बड़े जोर शोर से मुलायम सिंह यादव के साथ जो है, सॉरी अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया, बुआ बबुआ का फार्मूला चला, उन्होंने देखा जब ये फार्मूला वो खत्म हो गया उससे उनको कोई बहुत सक्सेस उनको नहीं मिल पा रहा है। मायावती जी है क्या? मायावती जी बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और मैं समझता हूँ ये अच्छी भी चीज है बुरी भी है, दोनों है, हर आदमी अपॉर्चुनिस्टिक होता है पॉलिटिक्स में, होना चाहिए अच्छी अच्छे नीयत के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या देखा, पुराने जितने फार्मूले थे अब ये बहुत चेंज आया है, पुराने जितने भी फार्मूले थे जैसे माई फार्मूला, मुस्लिम यादव फार्मूला और जय भीम जय मीम फार्मूला, अब पूरा सरकार बनाने के लिए उनको लग रहा है कि जय भीम जय मीम के साथ साथ भाजपा या उच्च जाति के या भाजपा समर्थित जो लोग हैं उनसे पंगा न लिया जाए, एक सॉफ्ट दो चीजें करके। दो चीजें हैं, देखिए हो सकता है मेरी बात, बहुत से लोग ये सोचें कि बहुत हाइपोथेटिकल है, आज से लगभग साल भर पहले ही मैंने ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी साथ आ सकते हैं, तब भी बहुत से लोगों ने ये कहा था कि ये बातें बहुत हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए, आपने ये कहा कि
आपने एक बात ये बोली है कि हो सकता है मायावती ये चाहें कि बीजेपी वालों से पंगा ना ले, पंगा ना लेना एक अलग बात है और टैक्टिकली उन्हें सपोर्ट कर देना या उनका सपोर्ट ले लेना ये एक अलग बात है, स्थिति क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैं वही बता रहा हूं, यही एक कुशल राजनीति स्पेशली मायावती जी का। उन्होंने खुल के तो सपोर्ट किया नहीं है, खुल के सपोर्ट करने का मतलब कोई गठबंधन तो बनाया नहीं है, कोई घोषणा तो किया नहीं है, उन्होंने बुराई नहीं की है, उन्होंने अटैक किया तो उन पार्टियों के ऊपर अटैक किया जिनसे कि कभी उनका सपोर्ट होता था, जैसे समाजवादी पार्टी वगैरह। ऐसा नहीं, देखिए वहां के कांड में जिसपे इन्होंने कांग्रेस को और इनको निशाने पे लिया है, अब भाई जमीन कौन दिलाएगा? अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना, तो कौन सी जमीन दिलाने की बात कर रही है? और अगर जमीन कोई हड़पी गई है दिलवाएगा, अब जिनकी सरकार नहीं है तो वो कहां से? क्रिटिसिज्म तो बीजेपी का भी होना चाहिए कि बीजेपी की ये फेल्योर रही है, सिस्टम का फेल्योर। जेपी पांडे जी, जेपी पांडे जी, नहीं जेपी पांडे जी तो मतलब एक तरीके से है कि मत छुओ भाई उनको, ताकि सपोर्ट कुछ ऐसे वोट बैंक का लिया जा सके, ये कुछ नया फार्मूला बन रहा है। ठीक है जेपी पांडे जी, मेरी डिबेट इस इशू पर है कि मायावती का जो पॉलिटिकल स्टांस है, मायावती का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, पिछले 15-20 दिनों में ऐसा नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है। मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को क्या मायावती की जरूरत है, उनके वोट बैंक की जरूरत है? देखिए राशिद जी, मायावती जी का जहां तक सवाल है, उनको जो भी व्यक्ति नजदीक से जानता है तो वो निश्चित रूप से एक अति महत्वाकांक्षी और नैतिकता रहित अवसरवादी नेता हैं। दलित चेतना की भी अगर बात करिए, जब ज्योतिबा राव फूले साहब का पेरियार से बाबा साहब से काशीराम जी तक सपोर्ट, वो लोग फ्रीडम स्ट्रगल में भी कर देते थे अंग्रेजों का, लेकिन फिर भी उनमें नैतिकता थी। बहन जी का एक ही उद्देश्य रहता है, सत्ता हासिल करना या प्रेशर ग्रुप बना के रखना। आप जो ये कह रहे हैं भाजपा का, ये मैं सहमत नहीं हूं, बता दूं मैं आपको, चूंकि हमें प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और बहन जी जब समझौते करती हैं तो उनका नेचर आप जान लीजिए। बिस्मार्क कहा करते थे कि राजनीतिक समझौते बराबरी पे होते नहीं, एक घोड़ा होता है घुड़सवार, और बहन जी घोड़ा नहीं बनती हैं, अखिलेश जी के समझौते में आपने देख लिया। तो हमसे वो समझौता किस आधार पे कर सकती है भविष्य में भी दूरदर्शिता से? चूंकि मुख्यमंत्री का पद बहन जी छोड़ देंगी ये संभव नहीं है। उनकी पूरी की पूरी कवायद यही है कि बिखरे हुए विपक्ष, समाजवादी पार्टी, जेपी पांडे जी, जेपी पांडे जी इतना छापा, इतना छापा पड़ गया है ना, अब नोएडा से लेकर के, नोएडा से लेकर के लखनऊ तक। अरे सुनिए ना, अरे जेपी पांडे जी, जेपी पांडे जी बीजेपी से लड़ेंगे, सुन तो लीजिए, नोएडा से लेकर के, अरे पांडे जी सुने तो, नोएडा से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के बाकी पूर्वांचल तक इतने छापे पड़ गए हैं ना, चाहे वो आनंद कुमार पर छापा हो, चाहे नेत्राम पर छापा हो, या फिर बाकी जो उनके साथी या उनसे जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स, उन पर छापे इतने पड़ गए हैं ना, इसीलिए ये सवाल उठने लगा है, इसीलिए ये लगने लगा है कि मायावती के सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं क्या? मायावती को एक अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है क्या? उनको ये लगने लगा है कि आने वाला वक्त ठीक नहीं है, इसलिए अपने सुर भी बदल लो, अपना स्टांस भी चेंज कर लो? नहीं, ये राजनीतिक दबाव, राशिद जी आप बताइए, सबसे ज्यादा दलित सांसद हमारे, तो जब हमारा सामाजिक आधार खुद ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे 50% प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें किसी ऐसे नेता का जो भ्रष्टाचारवादी हो, जो जाति के वेलफेयर के बजाय अपने परिवार का वेलफेयर कर रहा हो, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं है। सुरेश चंद्रा जी, जो बात मैंने, जो बात मैंने अभी, ठीक है पांडे जी, ठीक है पांडे जी, पांडे जी ठीक है, दलों के ओके ठीक है, आधार में सेंध लगाए, ठीक है। सुरेश चंद्रा जी, क्या जो हाल के दिनों में नोएडा से लेकर के लखनऊ तक और बाकी पूर्वांचल वाले एरिए में जितने भी छापे पड़े हैं, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि किन किन इश्यूज पर छापे पड़े हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, इन सबसे जुड़ी हुई नजर आई है, चाहे वो आनंद कुमार का इशू है, चाहे ब्यूरोक्रेट नेत्राम जी का इशू है, क्या इन सब से भी डर करके मायावती के सुर बदल गए हैं? अभी बीजेपी वाले साथी बोल रहे थे कि मायावती जी डरती नहीं है, वो उनके अपने फैसले हैं, इन चीजों से डरने वाली नहीं है। सीबीआई की छापेमारी से तो कोई भी डर जाए ना, दूसरे जेल की सलाखों से तो कोई भी डर जाएगा ना। सुरेश चंद्रा जी देखिए, राजनीति में क्या होता है ना, राजनीति में एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से नहीं डरता, लेकिन हर किसी को सीबीआई का डर तो होता ही है, ईडी का डर तो होता ही है, एजेंसीज का डर तो होता ही है।
पहले भी थे। हाँ। जमीन पे उतर के संघर्ष नहीं करती, काशीराम की बनी बनाई जमीन पे फसल काट रही है। आप कब से जानते हो उनको? मानवर काशीराम साहब के साथ चली हैं। उम्र बड़ी होने से दलित चेतना के विद्वान हो गए क्या? मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मान्य बहन जी का। आपके मान्य विशेषज्ञ हो गए। अरे सर आप सुने, क्या बात करेंगे हमसे, कर लीजिए, बता दे। आप दूर दूर की बात जानते हो गए, मैं नजदीक हूँ। चलिए रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। मैं बाम से आदमी हूँ। मानवर काशीराम साहब ने कहा है ठीक है, मौका मिले तो बनाओ, बुलाओ, ना मिले तो बनाओ। लेकिन जानते हैं बामसेफ के जमाने, बामसेफ 1973 वाला जो बामसेफ रहा ना, देखिए सुरेश चंद्रा जी एक चीज और भी याद रखिए, 1973 का जो बामसेफ था ना, वो चाहे मान्यवर काशीराम हो या फिर डीके खरपड़े, सभी को भुला दिया गया है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, संघ की स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत होने जा रही है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए, और सुनने में ये भी आया है कि संघ खासतौर से उन बेल्ट में बहुत मजबूती के साथ में काम करने जा रहा है जहां पर दलितों के पॉकेट्स खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। संघ को क्या लगता है, क्या मायावती की टैक्टिकल जरूरत बीजेपी को है? राशिद जी, एक तो मैं कहूंगा कि संघ करने जा नहीं रहा है, संघ एक बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। अब सेवा बस्तियों में हमारा एक बहुत बड़ा काम खड़ा हुआ है। सेवा बस्तियों में हमारे विद्यालय भी हैं, हमारे संस्कार केंद्र भी हैं, बच्चों को कैसे मदद की जानी है, परिवारों को कैसे मदद की जानी है, वो प्रकल्प लगातार चल रहे हैं। और उन्हीं सब प्रकल्पों का और जो कार्य थे उनका जो परिणाम सामने आ रहा है, जो एक विश्वास आया है, अगर आप गौर से देखें, आपने अभी खुद कहा कि मायावती जी इधर समर्थन कर रही हैं, कांग्रेस का विरोध कर रही हैं। पिछले तीन चुनाव में अगर आप देखेंगे 2014, 2017 और 2019, इन तीनों में जो उनका एक मजबूत कैडर था, उस कैडर में से वोट शिफ्टिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर। ये समझ में आना शुरू हुआ है कि अब देश विकास की बात भी करना चाहता है, राष्ट्रीय हित की बात भी करना चाहता है और राष्ट्रवाद की बात भी करना चाहता है। वो जाति के दायरे को अब तोड़ रहा है और ये जाति का दायरा, जिस तरीके का एक बड़ा बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उससे समझ में आ रहा है कि जाति का दायरा टूटा है तभी ये बहुमत मिल पाया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो देखिए, इतने समय तक किसी ना किसी कारण से लोग उसकी तारीफ करते रहे, वो एक लंबे समय तक सत्ता में रही, सत्ता उससे छिनी, मगर कांग्रेस का अगर आप करैक्टर देखेंगे, इसी सोनभद्र के केस में ही अगर आप देख लेंगे, इसके मूल में जो लोग थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उस विषय पर आज तक कांग्रेस के मूल परिवार ने, गांधी परिवार ने कभी ना उन लोगों के प्रति कुछ बोला, ना कभी कोई भी सकारात्मक मांग रखी है कि उस कांड के जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए कोई सकारात्मक कोई मांग नहीं है, केवल नकारात्मक पॉलिटिक्स हो रही है। और नकारात्मकता की अति इतनी ज्यादा हो गई है, आज कांग्रेस किस चीज से भयभीत है? वो अपने मीडिया में किसी को नहीं भेज रही, आप किससे जवाब मांगेंगे? आज अगर कांग्रेस के प्रति हम लोग कोई बात करें तो कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है एक भी जो कांग्रेस की ओर से जवाब दे सके। आप जनता से, मीडिया से, समाज से जो भाग रहे हैं और केवल नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ये बात तो जरूर कहूंगा कि जो मायावती जी हैं वो जरा समय को समझ अच्छे से लेती हैं। हाँ। उनकी समझ इस मामले में बहुत अच्छी है और उन्हें समझ में आ गया है कि जिस तरीके के गठबंधन से उनकी पिछली सरकारें बन गई थी, एक बार बहुमत की बनी है सरकार, वैसा काम जब तक नहीं हो सकता जब तक वो भारत के, मायावती ने समझदारी दिखा दी है, लेकिन नीरज राय, ममता बनर्जी ये समझदारी कब दिखाने वाली है? रचना जी देखिए, अभी जेपी भाई साहब बोल रहे थे कि केंद्र और प्रदेश दोनों जगहों पे हमारी सरकार है, यह मानी हुई बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के तमाम जो भ्रष्ट राजनेता हैं, जिनका भ्रष्ट कैरेक्टर रहा है, उनको अपने में समाहित करके बैठी हुई है। और राशिद भाई कह रहे थे कि छापा मारना शुरू हो गया है, तो मैं बता दूं रचना जी आपको कि ममता बनर्जी पे ऑलरेडी ये लोग छापा मरवा चुके हैं और ममता बनर्जी आंख में आंख डाल के बात करने वाली हैं इन लोगों के सामने, और इनके झूठ और फरेब और जबरदस्ती के जो कार्य हैं उसको वो रोक लगाने वाली नेत्री रही हैं और आगे भी रहेंगी। ममता बनर्जी को दबाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, इसको हवा में रहने दिया जाए, जरूरी थोड़ी ना कि दबाया जाए, साथ में मिलके भी तो काम किया जा सकता है।
नीरज राय आप तो जानते हैं ना, राजनीति की अपनी जरूरत होती है, हो सकता है दोनों साथ में मिलकर काम करें आगे। वैसे भी इतिहास में आप लोग एनडीए में एनडीए का हिस्सा रहे हैं भाई, जो 2014 एनडीए का हिस्सा रहे हैं आप लोग। बेला है, चुनाव होने दीजिए, पता चल जाएगा भूत। जी बताइए, मंत्री रहेंगी इस तरह से। मैं बता दूं आपको कि ममता बनर्जी इन लोगों को खटकती रहती है कि सोने से जगने से लेके सोने तक का हमेशा ये लोग बंगाल पहुंचते हैं। मामला चलता है उत्तर प्रदेश या देश का तो इन लोगों के यहाँ पे खटकता है कि बंगाल बंगाल में हम। अरे महाराज क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सावधान रहिए कि सारा टारगेट बंगाल की ओर। नहीं नीरज भाई जानते हैं क्यों जाते रहते हैं? अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परंपरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परंपरा वहां से शुरू होती है। क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, डॉक्टर विक्रम सिंह भी जाएंगे, जेपी पांडे जी भी जाएंगे। जी का नाम लेकर केवल ये लोग उनका मतलब दोहन करते हैं। वैसी शख्सियत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कि हाँ। उनकी आज तक ये लोग जांच नहीं करवा पाए। अरे हाँ। उनकी शहादत सार्थक हो गई, 370 हमने खत्म कर दिया लोग। भारतीय जनता पार्टी हमारा हो गया अखंड भारत। अच्छा रुक जाइए, वो भी रहे। ठीक है, आप दोनों रुक जाओ, आप दोनों लोग रुक जाओ। 2014 भारतीय जनता पार्टी है, एक एक करके बोलेंगे तो आनंद भी आएगा और अपनी बात भी आप कह पाएंगे। विभिन्न जेपी जी, जेपी जी, नीरज जी, ओवरलैप ना करें। अगर जानते हैं आप अपनी बात ओवरलैप करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा गठबंधन हो गया जिसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कोई डिबेट लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। आजकल डिबेट लिंचिंग बहुत होती है। अरे महाराज सुनिए तो सही, नीरज जी, डिबेट लिंचिंग बहुत होती है, डिबेट लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी इरफान मलिक बैठे हुए हैं ना, इरफान मलिक अभी बोले भी नहीं है। इरफान मलिक जी, इरफान मलिक जी, इरफान मलिक जी, बंगाल के प्रतिनिधि हैं। हां ठीक है, पूरा भारत। हां ठीक है, आप इरफान जी को भी सुन लीजिए। इरफान जी, क्या होता है ना कि मायावती की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इस पर सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश में जितनी बीजेपी की नहीं रहती उससे कहीं ज्यादा शिवपाल जी की रहती है। गेस्ट हाउस कांड से लेकर के आज तक मायावती की स्ट्रैटजी क्या होनी चाहिए, क्या रही है, किस तरीके की है, इसके पीछे शिवपाल जी की एक सोच रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके जहन में। मुझे शायद बहुत ज्यादा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मायावती बीजेपी के प्रति सॉफ्ट और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर के इतनी हार्श नजर आ रही है, उनकी राजनीतिक बोल इतने कटीले हैं, छुरी जैसे अगर तेज हैं, तो शिवपाल जी की सोच क्या है इसे लेकर के, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए मायावती, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का यह मानना है, और शुरू में जब सपा और बसपा गठबंधन हुआ था होटल ताज में जिस दिन ऐलान हुआ था, उसी दिन हमारे नेता ने कहा कि यह गठबंधन हो ही नहीं सकता है कामयाब, क्योंकि ये माननीय अखिलेश यादव जी का और मायावती जी का गठबंधन था, ये सपा और बसपा के लोगों का गठबंधन, सपा और बसपा का गठबंधन था। तो राशिद भाई आप नोट कर लीजिए और इसको बताइए जनता में कि दलित वोट 20%, यादव वोट 14%, मुस्लिम 22%, तो किसने वोट नहीं किया इस गठबंधन को? क्या किसी ने नहीं किया? नहीं, मैं बताता हूँ ना, मायावती का ये कहना है, मायावती सुन तो लीजिए, मायावती देखिए, मायावती के दलित जबरदस्ती ले और अखिलेश जी के यादव फैक्टर, और उसके बाद बचा मुसलमान। मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझ पाया हूँ कि शायद मुसलमानों ने ही 20% भाजपा को वोट कर दिया। चलिए इरफान मलिक जी क्या हो रहा है ना, इरफान जी क्या हो रहा है, मैं कभी भी डिबेट में उस राह की तरफ नहीं जाता जिसे भविष्य में कोई भी हल ना निकले और जिसका कोई फल ना निकले। 2019 में गठबंधन क्यों हारा, कैसे हारा, ये कभी फिर रिसर्च कर लेंगे, कभी सेमिनार और सिंपोजियम में बात कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी मैं इस पर, इस इशू पर डिबेट कर रहा हूं। एक मुझे ये बताइए, मायावती आज की तारीख, एक मिनट रुक जाइए इरफान जी रुक जाएं, मायावती आज की तारीख में इंडिविजुअली अपनी पार्टी के लिए एक, या फिर किस पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, अगर वो किसी भी तरह की का किसी को भी टैक्टिकल सपोर्ट करती हैं या टैक्टिकल सपोर्ट लेती हैं या टैक्टिकली किसी के साथ भी जुड़ती हैं तो? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी आगे 2-4 साल में जो होगा और बीजेपी जिस मानवर काशीराम जी, इरफान जी ये सवाल एके से है, आपसे नहीं है बीजेपी, इरफान जी आपसे सवाल नहीं है, पत्रकार एके मिश्रा से है। जिस बीजेपी ने जिस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई किया है, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है एक पॉलिटिकल जो है इलेक्शन विनिंग मशीन की तरह, मायावती जी कहीं पे भी जाए किधर पे भी जाए उसका अल्टीमेटली
गेन कौन लेगा? जिसके पास ताकत है गेन लेने की वही लेगा। तो कहीं से भी वोट कटेगा, वोट जुड़ेगा, किसी का विरोध करेंगी तो वो कांग्रेस का विरोध करेंगी तो वोट कुछ कटेगा कुछ जुड़ेगा। तो गेनर कौन होगा? गेनर वो होगा जो विन कर रहा है उसी को गेन। ये ऐसे होता है ना जैसे कोई गड्ढा है तो पानी चारों तरफ से आएगा तो गड्ढे में आएगा, जिसके तरफ हवा बह रही है उसी को फायदा जाएगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि मायावती जी जो भी करेंगी, एक रीजन तो साफ है, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी बीजेपी का जो मूड है वो किसी और पार्टी को लीड नहीं देना चाहती है, बड़े ग्राउंड लेवल पे ये काम कर रहे हैं। मायावती जी या मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव का जो हाल हुआ, मुझे नहीं लगता है इनके पास कोई ऐसी मैजिकल स्टिक या स्ट्रेटजी आ जाएगी कि 2022 में ये लोग चुनाव जीत जाएंगे और बीजेपी या और पार्टियों को क्लीन स्वीप कर देंगे। जो जिनके प्रवक्ता टीवी पे नहीं जा रहे हैं डिबेट करने के लिए, वो ग्राउंड में क्या लड़ेंगे? हाँ, बोलने तक की, मुद्दों पे बात करने की, अपनी बात उठाने तक की ताकत अगर नहीं बची है तो वो चुनाव क्या लड़ेंगे? कोई चमत्कार हो जाए तो बात दूसरी है। इससे मायावती, देखिए मायावती क्या कर रही है, अपने खोल में अपने आप को सुरक्षित कर रही है। जैसे कछुआ होता है ना, वो क्या करता है, वो जब कोई खतरा होता है तो एकदम अंदर सब कुछ कर लेता है। ये मायावती क्या है कि एक बेयर मिनिमम अपने आप को सुरक्षित करके चले। उन्होंने अच्छे तरीके से ये भांप लिया है कि भाई हवा किसकी चल रही है, क्या चल रही है। अब मायावती जी को मुझे ये लगता है या ऐसी चर्चा रहती है कि अब उन्होंने अब दूसरे लोगों को देखे, यंग जनरेशन को बना दिया। वो पहले बोलती थी परिवारवाद हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, अब सब उन्हीं के परिवार के लोग हेड बन गए हैं, पार्टी को लीड कर रहे हैं। अब उन्होंने कमान सौंप दी है, अपना वो गाइडलाइन वगैरह देती रहेंगी। मुझे नहीं लगता है आसानी से अगर मुख्यमंत्री का पद फिर से मिल जाए या कोई बहुत बढ़िया हो जाए तो दूसरी चीज है, मुझे नहीं लगता है कि उतना एक्टिव वे में वो करेंगी। हाँ, पॉलिटिक्स। सुरेश चंद्रा जी अभी कह रहे थे कि मैं बहुत करीब से जानता हूँ, मायावती डरी नहीं है, इस तरह की छापेमारी तो होती रहती नहीं, व्यक्तिवाद सुरेश चंद्रा जी, ना, व्यक्तिवाद। सुरेश चंद्रा जी मुझे ये बताइए ना, पिछले कुछ दिन से जो मोदी और योगी को पानी पी पी कर कोसती थी, ट्वीट पर ट्वीट करती थी, इस बदलाव की वजह क्या है, आप ही बता दीजिए। आज क्या गीत गाने शुरू कर दिए हैं क्या हमने? अरे अगर वो कहती है प्रियंका को कि घड़ियाली आंसू मत बहाइए, कुछ करके दिखाइए, मायावती तो खुद पहुंची भी नहीं, मायावती खुद तो पहुंची भी नहीं। रचना जी सुनिएगा, जिस कांग्रेस को ये बीजेपी वाले कभी हरा नहीं सकते थे, उस कांग्रेस को धूल में लड़ाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया इस देश में, और ऐसे ही नहीं है। अभी अभी मलिक साहब बोल रहे थे, रचना जी सुनिए, आप मेरे सवाल का जवाब, रचना जी सुनिएगा, अभी मलिक साहब बोल रहे थे कि 1996 में माननीय कांशीराम साहब ने 35 मुस्लिम कैंडिडेट बनाए थे, और ये कहकर के वो दिया था अथॉरिटी लेटर कि भाई इतनी वोट तो मेरे समाज की है, और यदि मुसलमान ने मुसलमान को वोट दे दिया तो 35 जीत कर के आ जाएंगे। जाति धर्म की यहाँ राजनीति किसने नहीं की इस देश में? देखिए अब खुल के किसने नहीं की? अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी, सुनिए ना सुरेश चंद्र जी सुनिए ना, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मायावती सवाल खड़े कर लेंगी तो क्या यादव वोट बैंक, क्या मुस्लिम वोट बैंक मायावती का हो जाएगा? रचना जी मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब मेरे इस्लाम मत के लोगों ने मेरे इस्लाम मत के कैंडिडेट को वोट कास्ट नहीं किया, तब साहब ने केवल एक बात कह दी थी कि मुसलमान ने मुसलमान को धोखा दिया है। तो इन अखबार और मीडिया वाले लोगों ने, आप तो थे नहीं, इन्होंने ऐसा कहा कि कांशीराम ने मुसलमानों को गद्दार कहा। जेपी जी ने एक बात तो कह दिया था कि मुस्लिम वोट बैंक बटने मत देना। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है। एक मिनट रुक जाइए, सुरेश चंद्रा जी, ठीक है सुरेश चंद्रा जी, ठीक है सुरेश जी, सुरेश जी एक मिनट रुक जाए, सुरेश जी एक मिनट रुक जाए, बीजेपी को क्यों बोलते हैं कि धर्म और जाति की ये भगवान? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, सुरेश जी आप लोग, एक सुरेश जी एक मिनट रुक जाए आप लोग। जेपी जी एक बात जो मुझे हमेशा एकदम सीधे खटक रही है, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की आप लोगों की जीत के बाद में क्या है ना, कांग्रेस पर आप लोगों का सीधा अटैक भी है और कांग्रेस के खिलाफ सीधा एक्शन भी नजर आता है। वो जब एक्शन की बात आती है ना, जितने भी कांग्रेस के बिग गन्स हैं, वो चाहे राहुल गांधी हों, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हों, चाहे वो डेकन हेराल्ड केस हो, चाहे वो जमीन घोटाला हो, सीधे तौर पर अटैक और सीधे तौर पर निशाने में और एजेंसीज के बिल्कुल सीधे निशाने पर ये बड़े बड़े बिग गन्स आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी पर मैं आता हूं, अगर गोमती रिवर फ्रंट घोटाला है या फिर अगर ताज एक्सप्रेस से घोटाला है, सीधे तौर पर जो जांच की आंच है वो अखिलेश यादव तक पहुंचती हुई नजर आती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता
बहुजन समाज पार्टी सरकार से रिलेटेड किसी इश्यू पर या सो कॉल्ड स्कैम पर या किसी घोटाले पर कि जांच की आंच सीधे मायावती तक पहुंचती हुई नजर आती है, आनंद कुमार तक तो जाती है, कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स तक तो जाती है, चंद नेताओं तक तो जाती है, लेकिन सीधे तौर पर मायावती तक क्यों नहीं आती? ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल है उत्तर प्रदेश के लोगों का। आपसी सेटिंग है ए महाराज नीरज भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? सेटिंग है, सबूत है क्या? जेपी जी रुकिए, जेपी जी रुके, नीरज जी के पास में, नीरज जी के पास सबूत है, निकालें कुर्ते के जेब में से सबूत। नीरज जी सबूत अभी निकालिए। देखिए देखिए, मैं झूठ पे कोई बात नहीं कहता। हाँ। आपकी ही बातों से स्पष्ट है कि आखिरकार मायावती जी के गिरेबां तक जांच के आंच जाती क्यों नहीं है। अगर कांग्रेस के खिलाफ भी होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता। चलिए जेपी जी से जवाब ले लेते हैं, जेपी जी जवाब दें, जेपी जी रिस्पॉन्ड करें। नीरज जी रुक जाए, नीरज जी रुक जाए, जेपी जी रिस्पॉन्ड करें, सुरेश जी रुक जाए, सुरेश जी रुक जाए, जेपी जी आप रिस्पॉन्ड करें, बोले। देखिए, जो ये जांच का जहां तक सवाल है, ये भारत का दुर्भाग्य है कि जांच एजेंसी या न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि भाजपा को आप हटा भी दीजिए। जब मुलायम सिंह मिनिस्ट्री में आते थे तो यही खड़े होकर भाषण देते थे कि अंबेडकर पार्क की जांच करवाएंगे, यहां इस बुलडोजर चलवा देंगे, और उनकी लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी स्पष्ट थी। क्या उन्होंने किया? जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, किसी भी राजनीतिक दल के दूसरे दल पे काम जांच की प्रक्रिया कहीं ना कहीं न्यायिक हो जाती है, और न्यायपालिका कितना त्वरित निर्णय देती है आर्थिक अपराधों में वो आप जानते हैं, या किसी भी घोटाले में, तो वो सरकार से तो सीधा लेना देना नहीं। हमारी सरकार इमरजेंसी लगाने वाली तो है नहीं कि इंदिरा जी की तरह जेल में डाल देगी सीधे, या ममता जी जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। आपकी तो अघोषित सुपर इमरजेंसी है, इससे बेहतर इमरजेंसी थोड़े होती है। अब वो आप ममता जी कल्पना, ममता जी आप केवल करते रहते हैं। ममता जी तो हमारे मतलब रडार पे ही नहीं, उनको जनता सबक दे चुकी है। जनता क्या? जहां तक देखिए बहन जी का सवाल है, आप उस टॉपिक पे ही केंद्रित करते हैं। हम बहन जी इतना जरूर है कि 2019 में अखिलेश जी अपनी नादानी से इतनी ताकत उनको दे दिए हैं कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में भाजपा के बरक्स अगर देखिए तो क्या शिवपाल जी का जनाधार है, संगठन है, अखिलेश जी लड़ेंगे या प्रियंका जी? कांग्रेस की बात जहां तक है, वो कांग्रेस वल्लभ भाई पटेल, बहुत बड़ी बात बोली है, कांग्रेस थी, राजगोपालाचारी हाँ। की कांग्रेस थी, नहीं जेपी जी, जेपी जी जब 370 पर वो ये बड़ी बात बोली नीरज जी रुक जाए, अपनी बात बहुत जल्दी पूरी करें, टीवी की अपनी बात बताएं। वाजपेयी जी से सीख लेते, आज उनकी पुण्यतिथि, अरे आज उनकी श्रद्धांजलि की तिथि भी है, तो आप ये जान लीजिए कि 71 के युद्ध में अटल जी विपक्ष में थे फिर भी उनके साथ थे, शेखर जी भी साथ थे, हम लोग उनको दुर्गा तक कहा गया, नरसिम्हा राव के यूएनओ के डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व तक किए थे अटल जी। राष्ट्र ही तो अलग होता है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का जो थिंक टैंक है उस पे वामपंथियों का कब्जा है, और भाजपा को मारने की जरूरत नहीं है। वामपंथी कैंसर रूस के 15 टुकड़े कर दिए थे, ठीक है, वो टुकड़े टुकड़े में ही विश्वास करते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस शांति से मरणासन हो गई है, मृत्यु की ओर बढ़ रही है, चलिए ठीक है। तो मायावती जी पांडे जी पहचान रही है, इरफान जी मायावती का वोट बैंक रुक जाए, अभी इरफान जी बोलेंगे, उसके डॉक्टर सिंह को भी कुछ बोलना है, और वो कांग्रेस वही, ठीक है जेपी जी, हो गया, कर रही है आपकी बात पूरी, मायावती जी उनको बचा हो गया, तो जान है वो खत्म कर, पॉइंट नोटेड, एक हमारे ओके ठीक है, सही कह रहे थे, काशीराम के योगदान निश्चित रूप से थे, जेपी जी ठीक है, दलित वोट जेपी जी हो गया, इतने का योगदान था कांग्रेस, जेपी जी हो गया माना जाता था, अरे जेपी पांडे जी हो गया, अब रुक भी जाए जेपी जी, अब रुक जाए इरफान जी, अभी जेपी पांडे ने एक बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है कि अपनी ऐतिहासिक गलती की वजह से उत्तर प्रदेश में मायावती को अखिलेश यादव ने बहुत ताकत दे दी, इतनी ताकत दे दी कि उनके आगे आप शिवपाल यादव जैसे काडर बेस्ड लोग, वो लोग जो कि जमीन पर काम किया करते थे समाजवाद के लिए और समाजवादियों के लिए, वो भी कमजोर हो चले हैं। क्या ऐसा आपका भी मानना है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट या उनके सामने अगर कोई पॉलिटिशियन खड़ा हो भी सकता है सिर्फ मायावती, और बाकी सारे हाशिए पर हैं या नेपथ्य में हैं? यानी अखिलेश हाशिए पर हैं और शिवपाल जी नेपथ्य में जा चुके हैं। देखिए ऐसा है राशि भाई, मैं इस बात को थोड़ा सा अलग से, ये बात अलग है कि हाँ मायावती जी के साथ गठबंधन करके 2019 के चुनाव में जो जीरो थी उसको 10 में बदल दिया, ये काम अखिलेश यादव जी ने तो कर दिया, और इसका
शुरू से ही विरोध माननीय शिवपाल सिंह यादव, लेकिन आज जमीन पे भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और उसके रीतियों के खिलाफ अगर कोई जमीन पे लड़ रहा है, अभी 8 तारीख को आपने देखा कि अगर कोई मैदान में उतरा तो सीधे सीधे शिवपाल सिंह यादव जी ने, अभी 7 महीने की हमारी पार्टी है, अभी शिशु अवस्था में हमारी पार्टी है, लेकिन हम लोग हर जगह आने वाली 12 तारीख को फिर हम लोगों ने ऐलान किया है कि हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया जाएगा। तो राशिद भाई, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, संगठन के पे हमारा पूरा ध्यान जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी या मायावती या और किसी के सामने अगर कोई लड़ सकता है तो वाहिद सिर्फ शिवपाल सिंह यादव हैं कि जो आंख से आंख में डाल करके बात कर रहे करते अभी हैं। और तक समाजवादी विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया, तकनीकी आधार पर समाजवादी पार्टी के विधायक है माननीय शिवपाल, इस्तीफा दे आप क्यों नहीं, जब वो चुनाव लड़े लोकसभा का और उन्होंने कहा ना मैं लिख करके बाकायदा दूसरे दल से, तो क्यों नहीं भाजपा के लोग वहां सरकार में हैं, उनका भी क्या है और सारी चीजें दे चुके हैं, तो क्यों नहीं खत्म किया अभी तक? डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि ना खत्म किया, डॉक्टर विक्रम सिंह यादव परिवार की संघ की नजर में, संघ की नजर में उत्तर प्रदेश में मायावती क्या मायने रखती है? और इसमें सब लोग रुक जाए, सारी आवाज नीचे, डॉक्टर विक्रम सिंह बोलेंगे। देखिये, संघ की नजर में मायावती जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, उसकी कोई अहमियत नहीं है, हमारी अपनी अहमियत है अपने काम पर, हम अपना काम मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो तभी है ना इनकी अहमियत जो थी, अभी देखिए सतीश चंद्रा जी ने खुद स्वीकार किया कि जाति और अपना एक धर्म को लेके इन्होंने आगे बढ़े। हमने नहीं की, आप लोगों को हमने नहीं बनाया, डिबेट लिंचिंग नहीं, आपने 4 वर्ड बनाए, हमने नहीं बनाए। अरे सुरेश जी, सुरेश हमारी किसी ने मार, अरे सुरेश जी उम्र का भी ध्यान रखें, बीपी हाई हो जाएगा, रुक जाओ। सुरेश जी मेरे को ठंडा पानी, मेरे पुरखों ने नहीं बनाया, कॉफी पीजिए, कॉफी 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 हमने लिखी, कॉफी हमने लिखी, आनंद आएगा, कॉफी पीजिए। ढोल कमार सूत पसनारी हमने कहा, अरे हम बता रहे हैं ना, सुनिए किसने कहा, आप क्या समझते हैं ढोल कमार सूत्र नारी का मतलब क्या निकालते हैं? हो गया, आपको अवधी भाषा आती है? नहीं नहीं, ऐसा ना, हम अभी वर्ण व्यवस्था पर, मैं वर्ण व्यवस्था पर भी डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन रुक जाइए, मैं उठ जाता हूँ, आप ही लोग, सुरेश चंद्रा जी काम कीजिए, आप ही एंकर बन जाइए, एक रुक जाइए, एक प्लीज रुक जाए, एक प्लीज रुक जाए, एक प्लीज रुक जाए, एक प्लीज, एक प्लीज प्लीज प्लीज, डॉक्टर सिंह बोल सकते हैं आप। मैं केवल यही कह रहा था कि जब स्वीकार भाव इतना हो गया कि जाति को लेकर और कुछ पर्टिकुलर वोट को लेकर लोग आगे बढ़े, संघ अपनी एक समग्र विचारधारा पर आगे बढ़ रहा था कि सबको लेकर आगे बढ़ना है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी एक बार जब पूछा गया था कि हिंदू कौन, तो उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू, ये परिभाषा संघ की ओर से आई, उसने पूरे देश की बात की, पूरे देश के नागरिकों की बात की। और इन पिछले 3 चुनावों में आपने देखा होगा जो सारे मुद्दे थे वो गौड़ हो गए, कुछ मुद्दे केवल रह गए, या तो विकास, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, और उससे बड़ी एक और काम हुआ वो था विश्वास। लोगों को, चाहे वो दलित वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, मुस्लिम वर्ग के हों, आपने देखा होगा मुस्लिम वर्ग का भी एक अमाउंट ऑफ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना शुरू हुआ है। संघ परिवार के लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का भी काम करते हैं, दलित बस्तियों में भी काम करते हैं, पिछड़े गांवों में भी काम करते हैं, हम लोग जब केरल में तूफान आता है वहां भी काम करते हैं, जब चरखी दादरी में होता है तब भी काम करते हैं, हम अपने जमीन पर काम करने में, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने में हम लोग लगे हुए हैं, उसकी परिणति आज इस देश के सामने सुखद रूप में आ रही है। क्या है ना, मैंने अपने सवाल की गेंद आपके पाले में डाली और आपको आपको शॉट जिस एंगल पर खेलना था ना, उस एंगल पर ना खेल करके कहीं और लेकर के चले गए डॉक्टर सिंह। मैंने सिंपली ये पूछा था कि क्या मायावती की इंपॉर्टेंस संघ की नजर में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में है या नहीं। एक आपके पास ही आऊंगा इसके बाद डॉक्टर सिंह। देखिए, सभी जो पार्टियां हैं उनकी एक मिनिमम इस समय स्थिति है संघ के सामने, और उस पर कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ना मायावती जी की है, ना अखिलेश यादव की है, ना कांग्रेस की है। एक अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो एक ऐसे वक्त में जबकि प्रचंड मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा हो, एक ऐसे वक्त में जबकि पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी की लहर चल रही हो पूरे देश में, ऐसे में 4.25% का वोट बैंक, वोट शेयर लेकर के आना, 3.63 या 3.67% के आसपास का वोट शेयर लेकर के आना, कैसे हम ये कह सकते हैं कि मायावती की इंपॉर्टेंस नहीं है? राशिद, आपका जो मूलभूत क्वेश्चन था ना कि संघ की नजर में या बीजेपी की नजर में
मायावती का क्या रोल है, क्या अहमियत है? बहुत टेक्निकल और स्ट्रेटजिक क्वेश्चन है सिंह साहब, शायद आपके मनोभाव को पकड़ नहीं पाए। देखिए, कांटे को कांटा निकालता है, संघ या बीजेपी की नजर में मायावती की क्या अहमियत है, या संघ या बीजेपी मायावती को कैसे प्रयोग कर रही है? मायावती वो राजनीतिक कांटा है जिसको बीजेपी या संघ प्रयोग करके दूसरे राजनीतिक जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, कांटे हैं, जो बीजेपी या संघ की जीत में चुभ रहे थे, उनको निकालेगा। अब देखिए उदाहरण, अभी अभी यही कांटा निकाला मायावती का यूज करके, कैसे? बीजेपी को छोड़ के दोनों पार्टियों को मायावती जी ने क्रिटिसाइज कर दिया, गठबंधन हुआ वहां पे, उसका अल्टीमेट फायदा, थोड़ा बहुत फायदा मायावती जी को हुआ, अल्टीमेट फायदा उसको चला गया, किसको चला गया? बीजेपी को चला गया, समाजवादी पार्टी साफ हो गई। इसीलिए मैंने बोला संघ या बीजेपी की नजर में मायावती जी वो कांटा है जिसको प्रयोग करके बीजेपी या संघ अपने राजनीतिक फंसे हुए कांटे यानी प्रतिद्वंदियों को, दूसरी पार्टियों को, या उस व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था, वोट बैंक की व्यवस्था को, उसके कांटे को निकालेगी, ताकि उसका जो विजय रथ है, विजय पथ है, वो निर्बाध हो सके। जेपी पांडे जी, एके मिश्रा जो कहना चाहते हैं, डॉक्टर सिंह रुक जाएं, जेपी पांडे जी, एके मिश्रा जो कह रहे हैं, क्या मायावती का राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा, जैसा एके मिश्रा ने अभी कहा है, कोट अनकोट? देखिए राशिद जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी कांटे की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है, और हमारी नीति भी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की है, और किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, चूंकि चुनाव में जनता हमारे साथ है। और आपको बता दें कि इतनी प्रचंड जीत के बाद भी नई सामाजिक जमीन तलाशने, संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सदस्यता के अलावा आदरणीय मोदी जी ने जो निर्देश सांसदों को दिया है कि 2 अक्टूबर से आपको यात्रा करनी है, पद यात्रा करनी है। आप देखिए कि विजय के बाद भी हम चरवेत चरवेत वाले दल हर बार अपना अपना एजेंडा बदलते हैं, हम अपने उस पे लगे हैं, और यहाँ क्या है, सांसद गांव ले रहे थे, अरे भाई सुन लीजिए, गोद ले रहे थे, सुन लीजिए, फिर आपका बोलना भी तो जरूरी है, जो सांसद गांव ले रहे हैं। नीतीश कुमार को आपने अपनाया इसलिए ताकि लालू प्रसाद यादव जैसा कांटा हटाया जा सके। दूसरा ये है कि 2500 तो ऐसे उदाहरण है, विपक्ष के लोग हैं, उनको अगर आप देखिए उनकी रणनीति क्या है, विपक्ष में तो आपको और ज्यादा सत्ता पक्ष के विपरीत सड़क पे जाना चाहिए, वो ट्वीट कर देंगे, बहन जी तो खैर जन आंदोलन करती ही नहीं है, और वो काशी राम जी की फसल अभी तक काटती रहती है, उन्हें जाना भी नहीं है, लेकिन समाजवादी जो लड़ने के लिए जाने जाते थे वो परिवार में ही लड़ रहे हैं अपने। तो जाहिर सी बात है कि हमें कांटे की क्या जरूरत है किसी दूसरे टूल्स की। और जहां तक ये सवाल है बहन जी का, मैं पहले ही कहा बाबा साहब के का बेटा, गरीब का बेटा ही पूरा करेगा, वो पूरा कर रहा है। हमने मायावती जी को बाध किया, क्योंकि बाबा साहब की विरासत जो थी 370 पे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो उससे बाहर नहीं जा सकती थी। कांग्रेस को भी हमने बाध कर दिया, अगर वो इसी स्टैंड पे रहे, अभी देखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया मामूली व्यक्ति नहीं है, अगर कांग्रेस इस पे राष्ट्र के साथ खड़ी नहीं होती है तो कांग्रेस को इतिहास की राख में दफन होना। मायावती के इस बदले बदले अंदाज के पीछे मौका परस्ती हम कहें या फिर राजनीतिक जरूरत, क्योंकि देखिए लोकसभा इलेक्शन में भी गठबंधन का फायदा और किसी को मिला हो ना मिला हो, मायावती को तो मिल गया, और अब बीजेपी के लिए अगर उनके सुर बदल रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई राजनीतिक फायदा होगा ही। देखिए मैं, मगर मायावती जी ने ये सब चीजें चेंज की है तो उसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता हूँ, संविधान के दायरे में रख के करिए चेंज, आप उसके पीछे रीजन है, सारी पार्टियों ने किया है ना, कभी किसी का एजेंडा कुछ होता था, हर इलेक्शन में एजेंडे बदलते रहते हैं, सिद्धांत बदलते रहते हैं, तो ना तो ये उनकी, देखिए मैं उनकी मजबूरी भी नहीं बोलूंगा, राजनीतिक जरूरत भी नहीं बोलूंगा, मैं अगर बीजेपी जब अपना एजेंडा चेंज करती है या कोई और पार्टी करती है कांग्रेस, तो वो उसको स्ट्रेटजी बताते हैं, तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है अपने पॉलिटिकल करियर को या अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है, सारी पार्टियां कर रही हैं, वो भी बदल रही हैं। जेपी जी, देश और उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि 2022 में आपके अगेंस्ट होगा कौन, यानी आपकी असल लड़ाई, बीजेपी अपनी असल लड़ाई किसके साथ में देख रही है, मायावती के साथ, अखिलेश के साथ, या कांग्रेस के साथ? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुका है कि हमारी चुनौती हमारा ही पिछला प्रदर्शन है, हमें नई जमीन तोड़नी है, उससे ज्यादा सामाजिक आधार लोकतंत्र में, लोकतंत्र में यकीन करें ना, तो किसी ना किसी से तो लड़ाई होगी ना जेपी जी। उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे बता रहा हूं राशिद जी, आज के डेट में जब हम लोग डिबेट करने बैठे तो ये आप ही जानते हैं कि हमें किससे लड़ना है। लोकसभा के चुनाव में मायावती ही हमारे बरक्स है, कांग्रेस हाशिए पे है, सपा का कुछ पता ही नहीं है, तो जाहिर है कि अभी तो मायावती बड़ी खिलाड़ी है। सेकेंड रेस पे जरूर है कि पहले वरीयता में भाजपा के सामने मायावती है,
दूसरे स्तर पे जरूर सपा है या कांग्रेस है, ये तो आज सर्वविदित हम क्या कहेंगे नीरज जी भाई। असहमत है जनता में जाइए, चुनाव जीत के आइए, संविधान बदल। नीरज जी, नीरज जी, तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता मेरे डिबेट में बैठते हैं, ये लगता है ना कि आने वाले दिनों में जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, ये माने हुए बैठे हुए हैं कि नंबर वन बीजेपी है, नंबर दो की लड़ाई बाकियों के बीच में है। क्या पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ऐसा ही मानती है कि नंबर वन बीजेपी है, नंबर दो के लिए लड़ाई वाम दलों और टीएमसी में होगी? मैं आपको बता दूं राशिद भाई कि जितने भी प्रवक्ता हैं बोलते हुए ये बातों के वीर हैं, इनकी बातों को अगर आप नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो ये तुरंत आरोप लगा देंगे और आप ही के चैनल पे धमकाया भी जाता हूं मैं। ये उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या पूरा राष्ट्र हो, आपको मैं अभी अरे जेपी जी धमकाया मत करें ना, नीरज जी देखिए कितना डरे हुए बैठे हुए बेचारे। सरकार इनकी है, निगम में इनकी व्यवस्था है, फिर भी कैंडल मार्च इनके ही कार्यकर्ता निकालते हैं, न्याय मांगते हैं मरे हुए विपक्ष से, मरे हुए विपक्ष से। तो यह जो चीजें हैं, जितने इनके पिछले कार्यकाल हैं, जनांदोलन होगा, जनता इनके खिलाफ लड़ेगी, या किसी भी पार्टियों को या क्या, तो जबरदस्ती दबाव में जांच लगाना तो हमारे पे लगाइए ना, क्या पाएंगे हमारा, तो हमको ये डायरेक्ट भी करेंगे, जनता लड़ेगी इनके खिलाफ। यह मेन मुद्दों से भटकाकर तमाम ऐसे मुद्दों को लाते हैं जिन मुद्दों का कोई मतलब ही नहीं है। किसान की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महिला सुरक्षा की बात नहीं होगी, किसी चीज की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार तो ये पूरे देश में बनाएंगे। सुरेश तो हिटलर भी चलाया था, हो गया घोषित इमरजेंसी, इंदिरा हो गया इमरजेंसी की बात करते महाराज आप, अब हिटलर को याद करेंगे, मुसोलिनी को याद करेंगे, माओ से तुंग को याद करेंगे, छोड़िए ना, इतिहास में छोड़ दीजिए ना, वर्तमान भविष्य देख लेते हैं। रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सुरेश चंद्रा जी, सुरेश चंद्रा जी, मायावती से उत्तर प्रदेश का एक सवाल है। हाँ एक मिनट रुक जाएं, रुक जाएं, ठीक है सारी आवाज नीचे। सुरेश चंद्रा जी, मायावती से उत्तर प्रदेश का एक सवाल है। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास में योगी आदित्यनाथ हैं, नरेंद्र मोदी हैं, किसानों का समर्थन है, देश में विकास के लिए किया गया काम है, धारा 370 की स्फूर्ति है, और इस तरीके की न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन अगर मायावती चलिए ठीक है नंबर दो की लड़ाई के लिए 2022 में आएंगी तो उनके पास है क्या? देखिएगा वही दलित मुस्लिम मत करने लगिएगा, मैं जिक्र कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने तो मैं बात करूं। अभी तो लोगों ने ये जाना भी नहीं होगा कि इस देश में हर पोस्ट कॉलोनी के पास एक जेजे कॉलोनी क्यों बसाई जाती है, क्या कारण है हम जानते हैं। और राजनीतिक सत्ता, हमारा लक्ष्य उतना नहीं है जितना हमारा लक्ष्य सामाजिक जो गैर बराबरी है उसको दूर करना और आर्थिक मुक्ति आंदोलन हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो आपने बताया नहीं कि 2022 में आपके पास में क्या होगा, महापुरुषों का रहा है, तब जब आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सर क्या होगा आपके पास में? का संघर्ष है 1848 से लेकर के 1956 तक, हम उस पर कायम हैं और उन्हीं लक्ष्यों आज के युवा इतिहास में जाकर के नहीं देखता, हम जनता के वर्तमान भविष्य की बात कीजिए और उसी पर वर्तमान और भविष्य के लिए क्लोजिंग कमेंट। डॉक्टर विक्रम सिंह बोल सकते हैं आप। मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा राशिद भाई, पॉइंट वाइज। पहला तो बीएसपी के जिस वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना होगा उसमें सपा का भी कुछ वोट शिफ्ट हुआ था। और दूसरी चीज, सामाजिक जो सामान्य अपने काम की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के परिवार से, माननीय काशीराम जी के परिवार से बसपा में कोई नहीं है। अगर परिवारवाद चला है तो मायावती जी का चला है, और ये संदेश पूरे देश में गया है जो भी दलित वर्ग है कि परिवारवाद चलेगा, अपने ही परिवार का चलेगा। अगर बाबा साहब के परिवार के लोग इस पार्टी में कहीं नहीं है, काशीराम जी के परिवार के लोग कहीं नहीं है, तो ये किस स्थिति में चला रहे हैं? और किसी भी तरीके का गठबंधन करने के लिए मायावती जी जानी जाती हैं। अपने 5 साल की सरकार में अभी कई लोगों ने चर्चा की कि इस पर आरोप नहीं लगा रही भाजपा, उस पर नहीं लगा रही। 5 साल में गेस्ट हाउस कांड की जांच क्या मायावती जी करा पाई, उसमें किसी को दोषी करार दिला पाई? अगर आप उसे नहीं करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप तो 5 साल पूर्ण बहुमत में रहे चुनाव लड़ती हैं। हाँ। देखिए पूरे डिबेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा कि अगले चुनावों में भविष्य में भाजपा के लिए चुनौती कौन रहेगा, किससे कंपटीशन होगा। मैं समझता हूँ कि देखिए मायावती वगैरह स्पेशली एक दो स्टेट को छोड़ दें,
अब बीजेपी की चुनौती खुद अपने से ही है, अपने स्टेटस को मेंटेन करना, सीटों को बढ़ाना। ठीक है, यूपी वगैरह में जो हालत हो गई, एक दो स्टेटों को छोड़ दे, बंगाल उंगाल। ठीक है, सुरेश चंद्रा जी, एके मिश्रा जी, इरफान मलिक जी, जेपी पांडे जी, नीरज राय जी और डॉक्टर विक्रम सिंह, एक घंटा हमें देने के लिए। लेकिन मायावती के इन बदले हुए सुरों पर ना तो बीएसपी कुछ खुलकर बोल रही है और ना ही बीजेपी कुछ खुलकर बोल रही है। सवाल ये कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि राजनीति में अपार संभावनाओं की जगह होती है, तो आगे कौन दुश्मन दोस्त बन जाए या कौन दोस्त दुश्मन बन जाए, वक्त पर छोड़ देते हैं। और मायावती के बारे में तो कहते भी हैं कि संभावनाओं की राजनीति की सम्राट है मायावती, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।